खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां सांडेराव गांव में किराना की दुकान को खोलने के लिए विशेष छूट दे रखी है। रविवार को गरबा चौक स्थित दुकान पर जरूरी सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर पुलिस यहां मौके पर पहुंची और उपखंड मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया को भी इस मामले से अवगत करवाया, जिसके बाद तहसीलदार जवाहरलाल को मौके पर भेजा गया। तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज कर दिया और इस दौरान भू राजस्व निरीक्षक तोलाराम और पटवारी शांति मीणा भी मौजूद रहे। वहीं थाना अधिकारी धोलाराम परिहार ने लोगों से घर में रहने की अपील की। अधिकारी के जो निर्देश है कि लॉकडाउन को प्रॉपर और प्रभावी रूप से लागू करना है, क्योंकि किराने की सब्जी की और जो दुकानें हैं उनको इसमें विशेष तौर पे छूट दी हुई है, लेकिन इसमें भी नियम ये है कि किसी भी सूरत में लोग इकट्ठे नहीं हो, समूह में खड़े नहीं हो, और इसका सख्ती से और समझदारी से पालन किया जाए। तो बार बार समझाने के बावजूद ये समझ नहीं रहे, काफ़ी दिनों से इनको समझाया, दुकान के आगे भीड़ खड़ी हो रही है ना, इन्होंने प्रॉपर पहले रेट लिस्ट का भी कहा था वो भी प्रॉपर नहीं लगाई, और अब बावजूद समझाने के ये बार बार दुकान के आगे भीड़ कर रहे थे, इनको समझाया लेकिन नहीं मानने पर श्रीमान एसडीएफ साहब से बात की तो श्रीमान तहसीलदार साहब सुमेरपुर ने मौके पर आकर कानूनी कार्रवाई करते हुए इस दुकान को लॉकडाउन की अवधि के लिए